नमस्कार सभी भाइयों बहनों को और खिलचीपुर क्षेत्र के सभी वासियों को, बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश और पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना बीमारी के संक्रमण से जूझ रहा है। ये एक बेहद ही खतरनाक बीमारी है और इसका फैलाव रोकना हम लोगों का सबका सबसे पहला मकसद होना चाहिए। इसी को देखते हुए इस संक्रमणात्मक बीमारी से निपटने के लिए हमारे देश में प्रशासन द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और सभी राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जो 15 अप्रैल तक चलना है। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से, चाहे वो खिलचीपुर के हों, जीरापुर के, माचलपुर के, छापीहेड़ा के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी हमारे भाई बहन हैं, युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें और मैं भी इस लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहा हूँ। लॉकडाउन के समय हम जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी ध्यान रखें, मास्क पहनें, हाथ समय पर धोएं और एक से ज़्यादा 4 या 5 लोग एक जगह पर इकट्ठा न हो ताकि इसका संक्रमण फैलने से बचे, क्योंकि इससे बचने का एक ही तरीका है, संक्रमण के फैलाव को रोकना, उस कड़ी को तोड़ना जो कड़ी हम भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से आज अमेरिका और इटली जैसे विश्व के विकसित देश इस बीमारी से नहीं लड़ पा रहे। आप जरा सोचिए कि अमेरिका जैसा देश जहां 5 लाख से अधिक केस होने की संभावना है, इटली जहां हजारों की संख्या में लोगों को की मृत्यु हो चुकी है इस बीमारी के संक्रमण से, ऐसी परिस्थिति अगर हमारे देश में उत्पन्न हुई तो हम उससे नहीं निपट पाएंगे। इसका तरीका यह है कि हम उस कड़ी को तोड़ें, अपने घरों में रहें, सामाजिक कार्यक्रमों से बचें, सामाजिक क्षेत्र में घूमने फिरने से बचें, बड़ी गैदरिंग से बचें। इसके लिए प्रशासन ने पुरजोर प्रयास कर रहा है, धारा 144 लगाई गई है, सारी चीजें कदम प्रशासन ने उठाया है, पर कहीं ना कहीं हमें अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने गांव के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए सोचना होगा। आज आप देख रहे हैं मुंबई में किस प्रकार से पूरी बिल्डिंगों को कॉर्डन ऑफ किया गया जहां कोरोना के मरीज मिले हैं। उस बिल्डिंग के सारे जितने भी रिहायशी इलाके के जितने भी फ्लैट्स थे, जितने भी लोग उस रिहायशी इलाके में रह रहे हैं, उनकी जांचें की जा रही हैं और उनको अलग रखा जा रहा है, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। ये परिस्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि कहीं ना कहीं हमने लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लिया। लॉकडाउन को सीरियसली हमें लेना है और आगे ये भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संक्रमण को हम कम से कम उसको रोकथाम करें और कहीं आए जाए नहीं, ताकि वो कड़ी टूटे और संक्रमण होने से ये बीमारी रुके। साथियों, मैं दूसरी चीज और आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, लॉकडाउन के दिनांक 22 तारीख से मैं खिलचीपुर में हूं और मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूं कि हमारे क्षेत्र के रहवासियों को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, किसी भी वर्ग या समुदाय के हों, हम उनको उचित व्यवस्थाएं प्रदान करवा पाए। हमने इसके लिए मेरे निजी निवास के नंबर, लैंडलाइन का नंबर 07370277628, मोबाइल नंबर 9981106046 और व्हाट्सएप नंबर 9713245736 सार्वजनिक रूप से अपने सोशल मीडिया के हैंडल ट्विटर और फेसबुक के पर भी डाला है। साथ साथ खिलचीपुर क्षेत्र के सारे ग्रुपों में भी इसको सर्कुलेट करवाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते, आपका विधायक होने के नाते, मैं पूरी सजगता से इस पूरी परिस्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं जरूरी हैं, मैंने बीएमओ जीरापुर को निर्देशित किया है, बीएमओ खिलचीपुर को निर्देशित किया है कि रोगी कल्याण समिति के माध्यम से जितने हैंड सैनिटाइजर, मास्क और जितना भी इक्विपमेंट हॉस्पिटल और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए आवश्यक हो वो खरीदें और उसकी स्वीकृति हम लोग प्रदान करेंगे। साथ साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जो दैनिक दिहाड़ी का मजदूर है या रोज कमा के खाने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, जो परिवार हैं, जो दैनिक दिहाड़ी पर आधारित हैं, उनके लिए ये बहुत कठोर समय है। और इस समय में मैं प्रयास ये भी कर रहा हूँ कि जो ऐसे जरूरतमंद परिवार हैं, उनकी अगर हम तक जानकारी आती है
तो वहां तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम, उनको उचित वस्तुएं पहुंचाने का काम, रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली वस्तुएं पहुंचाने का काम और खाद्य पदार्थ पहुंचाने का काम हम लोग तेजी से कर रहे हैं। मेरे जीरापुर ऑफिस से और खिलचीपुर ऑफिस से ये कार्य निरंतर संचालित किया जा रहा है। एक बात जरूर है कि हम इसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते, हम वो सस्ती लोकप्रियता नहीं बटोरना चाहते कि हम कड़ाई के पास जाके फोटो खिंचवाएं जहां पर ऐसे संगठन खाना बनवा रहे हैं, या वहां पे जाके फोटो खिंचवाए कि किसी गरीब परिवार के घर में जाके वहां पे उनको खाद्य पदार्थ देते हुए फोटो खिंचाकर अपनी लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करें। इससे मैं अनुरोध करूंगा, मैं भी बच रहा हूं और जो सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते हुए कहीं ना कहीं हम उस परिवार के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, इससे उनके परिवार के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है और एक सस्ती लोकप्रियता बटोरने का एक ऐसा माध्यम दिखता है कि जैसे कि मजबूरी में हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने आप अपनी लोकप्रियता आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी परिवार हमसे संपर्क कर रहा है, कई हमारे से कामकाजी हमारे साथियों ने गुजरात में, एक हमारे साथी गुजरात में भुज में उनने हमसे संपर्क किया, महाराष्ट्र में कई लोगों ने संपर्क किया, राजस्थान में फंसे कई हमारे साथियों ने संपर्क किया, उत्तर प्रदेश में फंसे हमारे कई साथियों ने संपर्क किया जो यहाँ आना चाहते हैं, उनको हमने उस स्थानीय जिला प्रशासन से संपर्क करके वहां पे उनको मूलभूत सुविधाएं दिलाने का प्रयास किया है। भोपाल में फंसे हमारे कई स्टूडेंट्स से हम लोग संपर्क में रहे, इंदौर में फंसे हमारे कई स्टूडेंट्स से हम संपर्क में हैं, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में हमारे कई ऐसे साथी हैं जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं पर वहां पर फंसे हुए हैं, अपने परिवार से दूर हैं, परंतु ऐसी लोगों से हम संपर्क, जो जो हमारे कार्यालय को संपर्क कर रहे हैं उनके फोन नंबर लेके हम लगातार यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ साथ जिला कलेक्टर से बात करके हमने जिला कलेक्टर से भी अनुरोध किया है कि कलेक्ट्रेट में एक ऐसा सेल बनाया है जिससे उन लोगों से कलेक्ट्रेट के माध्यम से भी संपर्क किया जा रहा है। हम लोग सीधे सीधे जिस जिले में वो फंसे हुए हैं उस जिले के प्रशासन से भी बात कर रहे हैं और उनको जरूरी वस्तुएं वहां पर मुहैया करा रहे हैं। साथ साथ ही हम ऐसे समाजसेवी संगठनों से भी संपर्क कर रहे हैं उन जिलों में ताकि इनकी व्यवस्थाएं की जाए। यहां पर भी जो समाजसेवी संगठन ये आर्थिक रूप से जो पिछड़े हमारे परिवार हैं, जो दैनिक दिहाड़ी करने वाले मजदूर परिवार हैं, उनको जो जो भी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं मैं उनको बहुत बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि कृपया आप जो कार्य कर रहे हैं वो परोपकार का कार्य है, ईश्वर आपको देख रहा है, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं होती। जो आप कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, ईश्वर आपको देख रहा है, पर हम उसको अपनी लोकप्रियता का हिस्सा बनाकर और कहीं ना कहीं उसको प्रचारित करके किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। लगातार मैं आपके बीच में हूं, आपसे जुड़ा हुआ हूं, प्रशासनिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर जो भी आपको मदद लगे हम लोग 24 घंटे आपके बीच में हैं, तैयार हैं। परंतु हम भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं स्वयं भी लॉकडाउन का पालन करूं, तो साथ साथ आप लोगों से भी अनुरोध है कि लॉकडाउन का पालन करें। आजकल संचार के माध्यम इतने हैं, टेलीफोन है, व्हाट्सएप है, वॉइस कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग है, सभी तरीके से हम लोग तत्पर रूप से आपके बीच में उपस्थित हैं। अगर आपको कभी भी हमारी आवश्यकता पड़े, प्रशासन की आवश्यकता पड़े या मेरे हस्तक्षेप की कहीं पे भी आवश्यकता पड़ती है, मैं आपके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। किसी के इलाज के लिए, किसी के को इमरजेंसी सहायता पहुंचाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और अभी भी तत्पर हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के बीच में रहें और कोरोना से बच, संक्रमण को रोकने के लिए लगातार अपने हाथ धोएं, साबुन का उपयोग करें, साफ सफाई घर में रखें और ज्यादा बाहर घर से न जाएं, ताकि आपको इस बीमारी से हम अपने आप को भी बचाएं, हमारे समाज को भी बचाएं, हमारे परिवार को भी बचाएं, हमारे गांव को भी बचाएं और हमारे देश को भी बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।